सबसे पहले फिर हम लोग करेंगे एक डायलॉग ऐड फॉर्म। यहाँ से ये वाला डायलॉग, एक लाइट वेट एप्लीकेशन, इसको हम ऐड कर लेते हैं। जो एक्स्ट्रा बटन्स हैं इनको आप रिमूव कर लो, उसके बाद इसको सेव कर लें। यहाँ से फिर हमारे पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी, ये इसको कॉपी कर लें ताकि इसकी डिज़ाइनिंग वाला जो काम हमें ना करना पड़े। इधर से आ जाएं, डायलॉग वन इस पे पेस्ट कर लें। ठीक है, और इसके साथ ही हमें एक चीज़ और ऊपर चाहिए होगी, वो कहलाता है कम्बो बॉक्स। ये वाला बॉक्स के लिए है, वो ड्रॉप डाउन मेन्यू बनेगा, उसमें जितने भी आपके वो ऐड होंगे ना ऑलरेडी डिपार्टमेंट्स, वो सारे के सारे शो हो जाया करेंगे, ताकि किस डिपार्टमेंट के अंदर आप कौन सी डिग्री ऐड करने जा रहे हो। फॉर्म चेंज कर लें, ये चीज़ चेंज कर लें, इसका कलर चेंज कर लें जो बैक मैंने लगाया है। इसके अंदर जो टेक्स्ट है जो नज़र आ रहा है वो कॉमन कॉम्बो वन ही ख़त्म कर लेते हैं। इस लेबल को कॉपी कर लें, कॉपी करके क्लिक करना है, फिर पेस्ट करना है, फिर नो कर देना है। ठीक है, ताकि वो उसकी एरे ना बना दे, उसको अलग अलग ही रखे, पहले वाले को दूसरे वाले को। और सही। यहाँ पर आएगा, ये तो था न्यू डिपार्टमेंट, और नीचे वाला बनेगा डिग्री या डिसिप्लिन, इसको चेंज कर लें। दोनों सर डायलॉग क्यों रखे नीचे वाले मेन वाले? मैं बताऊँ, डिसिप्लिन DISCIPLINE, ये वाला इसमें तो शो होगा डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इसमें आप लिखेंगे BEE पावर, ये सही। डिग्री का नाम होगा। जैसे हम कहते हैं BSc भी करवाते हैं, MSc भी करवाते हैं, PhD भी करवाते हैं, तो वो जितनी डिग्रीज होंगी वो यहाँ पे हैं, लेकिन किस डिपार्टमेंट की डिग्रीज हैं वो ये है। ठीक है, और इसका कलर भी हम वो चेंज कर देते हैं पहले वाला। इसका कलर यूँ कर लो, SCI, नहीं ऐसे, कौन सा था कलर बल्कि इसका, ये ब्लैक था। ब्लैक अब हमने जो एक फंक्शन वहाँ पे बनाया था, आपको पता है, इसके लोड के फंक्शन पे जाके उस फंक्शन को कॉल कर लेना है कि इसका लोड का इवेंट आ गया, उसका नाम हमने रखा था स्टार्ट 1। स्टार्ट। यस, स्टार्ट 1 में जो वेरिएबल्स वगैरह डिक्लेयर किए थे वो तमाम चीज़ें इसमें आ जाएंगी। अब हम क्या करेंगे, अब हमने वही लॉजिक लगाना, इसका नाम देखते हैं क्या है। इसका नाम हम कर देते हैं कम्बो 1 है, इसको हम कर देते हैं TXT डिपार्टमेंट। अच्छा, इसका नाम क्या, इसका नाम डिपार्टमेंट होना है। ठीक है, इसका नाम हम TXT डिसिप्लिन कर देते हैं, TISCIPLINE, ऊपर वाले का TXT डिपार्टमेंट। अब जैसे ही हम इस पर क्लिक करें, इसके इसके अंदर अंदर वो सारे आ जाएंगे सारे के सारे सिटीज, वो जो डिपार्टमेंट्स अपने जितने भी हैं वो सारे के सारे। डिपार्टमेंट्स आ यस, जाएंगे। इस पर हम डबल क्लिक करते हैं। सर फिर लिखने का क्या फायदा उसको? किस तरह से उसके अंदर क्लिक भी करके लिखना और वैसे भी लिखना। क्लिक करके नहीं लिखना, क्लिक से जैसे हम सिलेक्शन कर रहे अच्छा हैं सिलेक्शन कर इधर रहे हैं। लिखेंगे डिग्री उसकी। सही ठीक है, तो हमने इसके ऊपर जाना, हम जैसे जैसे ही इसके अंदर फोकस जाए, गॉड फोकस का इसका फंक्शन होता है ये वाला। ठीक है, सही। जैसे ही फोकस जाए या बटन से क्लिक करें तो ऑटोमेटिकली सारे का सारा लोड कर ले जितने डिपार्टमेंट्स पड़ेंगे।
ताकि हम ऐड करना है तो हम उसी फॉर्म से ऐड करेंगे, शो करना होगा यहाँ पे आ सकते हैं। तो जनाब सबसे पहले सेट आर एस टी पी इक्वल्स टू न्यू ए डी ओ टी पी ए डी ओ टी पी डॉट रिकॉर्ड सेट, और सेट कनेक्शन डी पी इक्वल्स टू न्यू ए डी ओ टी पी डॉट कनेक्शन, और कनेक्शन डी पी डॉट ओपन यू आर एल एड्रेस टी पी डब्ल्यू आर एल डब्ल्यू एस एड्रेस टी पी, और उसके बाद हमें एक वेरिएबल चाहिए होगा वी अंडर स्कोर डिपार्टमेंट एज स्ट्रिंग, और उसके बाद एस क्यू एल सेलेक्ट को हम सिलेक्शन करेंगे, सेलेक्ट डिपार्टमेंट का नेम हमें देना पड़ेगा, यस डिपार्टमेंट अंडरस्कोर नेम सेलेक्ट किया, ताकि ये नाम हमारा प्रॉपर चलना चाहिए ताकि वहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक ना हो। तो हम लिखेंगे सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम जो हमने डायलॉग से स्कूल के सारे नहीं है उधर से इंसर्ट किए, यस उधर जाकर भी कर सकते थे पीछे, उधर से तो इंसर्ट होगा ना, नहीं डेटाबेस देखो जब मल्टीपल यूजर काम करते हैं तो डेटाबेस तो एक जगह पे पड़ी होती है, तो मल्टीपल यूजर को सिर्फ फ्रंट एंड मिलता है सॉफ्टवेयर। अच्छा ठीक है, जैसे हम आपके अटेंडेंस वगैरह कॉल करते हैं, सारा का सारा डेटा सलीम कैंपस से उधर उठ के आ रहा, तो हज़ारों टीचर एक वक्त में लगा रहे होते हैं अटेंडेंस, तो वो फ्रंट एंड की मदद से डेटा एंटर होता है, डेटाबेस एक जगह पे चुपचाप बैठी हुई रहती पड़ी रहती है, इसको हम बैक एंड कहते हैं, ये डायरेक्टली यूज इस तरह से नहीं होती। ठीक है, वो तो मैंने आपको तरीका बताया था कि सेंटर होता है, लेकिन आम तौर पर इसको ऐसे यूज़ नहीं किया जाता, फ्रंट एंड के थ्रू ही है। सेलेक्ट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम डिपार्टमेंट इन्फॉर्मेशन वेयर, नहीं वेयर नहीं बस ठीक है इतना ही काफ़ी है, और सेट आर एस टी पी इक्वल्स टू कनेक्शन डी पी डॉट एग्जीक्यूट एस क्यू एल सेलेक्ट, इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब आपने वाइल का लूप भी पढ़ा होगा उसके अंदर, ठीक है ना, इफ आर एस टी पी डॉट ई ओ एफ इक्वल्स टू ट्रू if close save box there is no code on the database will be critical or underscore mews txt dot set focus set focus is it so। और नीचे आकर हम लोग करेंगे while stp dot ef not equals to true when if we underscore while loop तो एक loop होती है, loop होती है, loop उस वक्त तक चलता है जब तक value false नहीं होती है। तो मुझे नहीं पता कितने department add है, मुझे नहीं पता कितने record add है, कितने departments हैं, 11 हैं, 15 हैं, 75 हैं, तो जितने भी होंगे जब तक वो add नहीं हो जाते तब तक loop चलता है। इसलिए तो वाइल जब तक रिकॉर्ड सेट का एंड ऑफ फाइल नहीं आ जाता तुम चलते रहो, और डिपार्टमेंट को मैं साथ साथ वैल्यू दे रहा हूं, ये जो रिकॉर्ड सेट है जहां से मैं डेटा लेके आ रहा हूं, इस रिकॉर्ड सेट का पहला कॉलम वो जीरो होता है, जैसे अरे आपने पढ़ी होगी, अरे का जो स्टार्टिंग होता है वो हमेशा जीरो होता है, तो इसमें भी ये एरे बन जाती है, और एरे में जो पहला कॉलम होता है वो हमेशा, जैसे मैंने एक डिपार्टमेंट कॉल किया है डिपार्टमेंट नेम, तो ये जीरो होगा, कॉमा देके एक और डिपार्टमेंट लिख दूंगा, एक और नाम लिख दूंगा, दूसरा कॉलम हो जाए। तो मैंने इस वेरिएबल को डिपार्टमेंट का नाम देना है और उसको ऐड करवा देना है टी एक्स टी डिपार्टमेंट डॉट, देखो अब ऐड आइटम कहाँ से आनी है, आइटम वी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट ये ऐसे ऐड हो जाएगी। ठीक है, और आर एस टी पी डॉट मूव नेक्स्ट, आपको पता है कि एरे में आगे भी जाना पड़ता है, मूव मूव नेक्स्ट,
एक रिकॉर्ड ऐड करवाएगा, फिर आगे एक रिकॉर्ड ऐड कराए, फिर आ करते करते जब तक उसका एंड नहीं हो तब तक वो चलता रहेगा। उन जाके हम लोग कनेक्शन डीपी डॉट क्लोज कर दें। ऐसे करके इसको अब चलाते हैं यूं, जियो एच एल गोपर एपीसी। अच्छा इसको शोपिंग करवाया अभी। हम जाते हैं जनाब फॉर्म पे, इंसर्ट पे, डिसिप्लिन, तो डायलॉग टू डॉट शो ओवर बीसी, इंसर्ट न्यू डिसिप्लिन। ये देखो यहाँ पे अपलोड होंगे, सही आगे सही ठीक है। अब एक इसमें एक इशू है, इशू ये है वो आगे हैं बच्चे में खल गोहर वगैरह इधर आगे जा रहे हैं शायद। हाँ अभी लगा है गोहर वाशरूम की तो शायद गया है। इन बच्चों की क्लास तो नहीं कहीं इधर हमारे पास इधर से कमरे में। अच्छा अभी देखो हमने ये सर्ट पे न्यू पे जब यहाँ पे जाएंगे ना डिसिप्लिन में, ये देखो यहाँ से ऐसे सारे में मिल जाएंगे तो हम गलत डिपार्टमेंट के अगेंस्ट एंट्री नहीं कर सकेंगे। ठीक है वालेकुम सलाम, आ जाओ बच्चों। मतलब हमने जो चूज पहले बनाए हुए हैं पहले डाटा एंटर कर दिया। हाँ उन्हीं में हम एंटर करने के लिए बाउंड है, और जब भी हमने नया एंटर करना होगा तो देखो अभी यहाँ पे हमारे पास स्कूल ऑफ अरेबिक नहीं है मेरा ख्याल। अब मैं इंसर्ट करता हूँ न्यू चेयर इनफेक्ट डिपार्टमेंट, मैं यहाँ पे करता हूँ स्कूल ऑफ अरेबिक, स्कूल ऑफ अरेबिक, अरेबिक एंड इस्लामिक स्टडीज का आई एस ए इस्लामिक एस। ठीक है आप इसको चेक करेंगे कहाँ पे गया ये, तो ये हमें उसी फॉर्म पे डिसिप्लिन में आएगा ना ये देखो। अब इनसे चेक करते हैं अरेबिक इस्लामिक इधर है। हाँ ये आ गया। अब इसमें इशू इस तरह से होगा, ऐड जब भी हमने ये डिसिप्लिन ऐड करना है, अब हमने करना क्या, मैं कहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल ऑफ अरेबिक, बट इनकी डिग्री कौन सी है, बी एस आई एस एल ए एम इस्लामिक एस सी आई ई एम जी, आ जाओ आ जाओ इस्लामिक साइंस। बी एस के बाद हो सकता है इनका एम एस भी हो, नहीं 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 डिग्री अलग अलग ही ऐड होगी और इट किस टेबल में जाएगी, हमने टेबल एक कल बनाया था ना डिसिप्लिन इन्फॉर्मेशन, ये देखो इसमें कॉलम भी छोड़ा था ये न्यू डिसिप्लिन, ये डिसिप्लिन का नेम और ये डिसिप्लिन के डिपार्टमेंट की आईडी, यहाँ पे उसके पेरेंट की आईडी आती जाएगी, मतलब स्कूल ऑफ अरेबिक एंड इस्लामिक साइंसेज और इधर बी एस इस्लामिक साइंसेज, फिर स्कूल ऑफ अरेबिक एंड इस्लामिक साइंसेज की आईडी 2 है 4 है 6 जो भी खुद ब खुद मेरा प्रोग्राम उठा के लाए ऑटोमेटिकली और इधर नाम आते जाएंगे। ठीक है चलो अब ये देखो हम यहाँ से लेते हैं, ये तो हो गया। अब इसमें इशू एक ये आ रहा है छोटा सा, जब जब मैं बाहर क्लिक करके वापस आता हूँ ना तो ये बार 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 इसको भरता जा रहा है। अब ये देखो ये भर गया है दोबारा डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नीचे। हाँ तो इसके लिए हमें इसको क्लियर करना पड़ता है एक दफ़ा, प्रॉब्लम एक दफ़ा हमें क्लियर करनी पड़ती है इसके गॉड फोकस पे जाके, कि जब भी इसका फोकस हो उससे पहले इसको क्लियर भी करो। तो वो गौर ले लो चेयर यार, यहाँ पे ना हमें लूप लगाने से पहले टी एक्स टी डिपार्टमेंट डॉट क्लियर, ठीक है एक बार क्लियर कर दिया हमने, जब हम क्लियर कर लेंगे तो वो बार बार इसको नहीं करेगा। इंसर्ट न्यू
डिसिप्लिन पहले डिपार्टमेंट था। अब इस पर क्लिक करता हूँ, अब देखो अब मैं जितनी दफ़ा मर्जी करूँगा, कहता हूँ स्कूल ऑफ फार्मेसी, बाहर गया दोबारा अंदर आया, नो नो डुप्लीकेशन, अब नहीं होगा, सही अब उतने के उतने ही। इसकी स्टार्टअप पोजीशन जो है ना वो साइड पे जा रही है, मैं इसको सेंटर में कर लेता हूँ ज़रा, ये वाला आप आ रहे ना सर, सब क्लियर से ठीक है। ये है इसकी स्टार्टअप पोजीशन, मैनुअल है, इसको मैं कर देता हूँ सेंटर स्क्रीन, अब ये स्क्रीन के सेंटर में ही शो हुआ करेगा। पहली इधर आ रहा था, आप सेंटर, ठीक है। अब मैंने सिलेक्शन वाला काम हो गया, अब मैंने डाटा इंसर्ट करवाना है और चेक करना है ना ये खाली हो ना ये खाली हो, फिर मैंने चेक करना है जो इसमें लिखा हुआ है क्या वो सही भी है, मौजूद है, ऐसा भी तो हो सकता है। मैंने तो सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद मैं ये कर दूँ, अब ये तो कोई डिपार्टमेंट नहीं है ना, नहीं है, और ये कोई नाम तो नहीं है, तो नाम तो यही है जो डेटाबेस से आ रहे हैं। तो अगर मैं इस तरह की कोई गलती करता हूँ तो वो पहले इसको पिक करे, इस डेटा को जो मैंने एफ 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 लिखा है, जाकर चेक करे कि डेटाबेस में एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट करेगा तो ठीक है, तो मुझे एरर देगा, मुझे रोक देगा, और अगर एग्जिस्ट कर रहा होगा जैसा ये एग्जिस्ट करेंगे सारे, अगर ये होगा तो वो उसका आई डी उठा के लाएगा और इसके अगेंस्ट उसकी आई डी को स्टोर करवा, तो ये हमारा लिंक बन जाएगा। जब अभी अब हमने काम करना है, आ जाओ अभी ओके। वालेकुम अस्सलाम, कल भी हमने लिखा था अगर डिपार्टमेंट खाली है तो हमने क्या करना है, उसमें कुछ नहीं लिखा हुआ, मैसेज बॉक्स डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द गिवन लिस्ट प्रोसीड फर्दर, बाहर जाके आपको पता है वीपी क्रिटिकल लिखते हैं और कॉमा लगाएंगे, तो हमने एक वेरिएबल रखा था _ MEWS मैसेज _MESG मैसेज और EXIT एग्जिट सब, और इससे पहले हमने यहाँ पर जाके TXT डिपार्टमेंट डॉट सेट फोकस ये भी कर दिया। अब हो सकता है कि ये वाला खाली ना हो, अगला कॉलम खाली हो, तो वो TXT उसका नाम क्या था, TXT डिसिप्लिन DISCIPL डिसिप्लिन डॉट टेक्स्ट इक्वल्स टू ब्लैंक, देन हाँ एल्जिफ, ये फेल तो लगाई हुई है ना आप लोगों ने, प्रोग्रामिंग में पढ़ी होगी, तो वो एल्जिफ अगर वो नहीं चलेगा तो नीचे वाले को चेक करो, इसमें तो नहीं खराबी। तो अब हम करते हैं मैसेज बॉक्स एंटर नेम ऑफ द DISCIP डिसिप्लिन प्रो फर्दर क्रिटिकल और MESG मैसेज MESG और TXT DISCIP.setFocus और exit sub, ठीक है। क्या करेगा वो उनके खाली होने पे हमें ये दोनों चीज़ें चलाएगा, अगर खाली होगा तो हमें एरर देके आगे जाने से रोक देगा। इसके लिए मैं स्टार्टअप पोजीशन अभी के लिए ख़त्म कर देता हूँ, ताकि बार बार हमें वो पासवर्ड देना पड़ता है। अभी मैं जस्ट फॉर्म 1 से चलता हूँ, ताकि सीधा सीधा फॉर्म 1 आया करे, जब हम इसको अप्लाई करेंगे तब उस पर पासवर्ड लगा देंगे। अब देखो दोनों खाली हैं, अब मुझे एरर देगा। सेलेक्ट डिपार्टमेंट, मैं जाके जनाब डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, ये खाली छोड़ देता हूँ। अब सेलेक्ट एंटर नेम ऑफ द डिसिप्लिन, अब वो इधर आएगा, अब इधर भी लिख देता हूँ कुछ ना कुछ, अब मुझे एरर नहीं देगा। इसका मतलब अब उसको डाटा को इंसर्ट करवाना है और अब जाके चेक करना है ये है या नहीं है। हाँ जी हेलो, तो
अभी आप लोगों ने घर जाकर किया, वीडियो शीडियो देखी है नहीं? ओके यार, वीडियो तो देख लेनी थी, इस बच्चे ने देख के बनाई भी हुई है यार। हाँ जी हाँ जी, दसो। मैंने बेटा पहले ही मैंने इसको बता दिया वह, सीआर साहब को मैंने इन्फॉर्म कर दिया वह, मैंने उसी वक्त रात को इन्फॉर्म कर दिया था। हाँ ओ गुड। रिकॉर्डिंग भी है उसकी, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही है, वॉइस रिकॉर्डिंग हो रही साथ साथ, इसका भी फॉर्म चेंज कर लें। अब इस पे जाके हम फर्दर कोडिंग करते हैं इसकी, एनडीएफ ख़त्म। और अब हमने वही वेरिएबल्स जो तीन चार बनाने होते हैं, जिससे इसमें डाटा स्टोर करना है, तो हम टीम वी अंडर स्कोर डिपार्टमेंट वी अंडर स्कोर डी आई एस सी आई पी डिसिप्लिन एज स्ट्रिंग, और टीम वी अंडर स्कोर जो चाहिए डिपार्टमेंट की आईडी भी लेनी है, टीम टी अंडर स्कोर आई डी एज इंटीजर, और सेट आर एस टी पी इक्वल्स टू न्यू ए डी ओ टी पी डॉट रिकॉर्ड सेट, सेट कनेक्शन टी पी इक्वल्स टू न्यू ए डी ओ टी पी डॉट कनेक्शन, और कनेक्शन टी पी डॉट ओपन यू आर एल एड्रेस टी पी ए डब्ल्यू डी आर ए डब्ल्यू एस एड्रेस टी पी। ठीक ओके, इतना सा काम अपने लाजमन करना है डेटाबेस की कनेक्टिविटी के लिए, ये तीन चार सर, ये वेरिएबल। डीआईएम का क्या मतलब, कहाँ पे है? डीआईएम डिम डिक्लेयर इन मेमोरी, या आप किस तरह सी में आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे ना, आप लिखते थे इंटीजर आई, तो यस यहाँ पर डिम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है डिक्लेयर योर डायमेंशन इन मेमोरी, रैम के अंदर वेरिएबल को बनाओ, किस टाइप का बनाना है एज इंटीजर, ये एज स्ट्रिंग करेक्टर टाइप का, तो इस तरह ये डिक्लेरेशन के लिए कीवर्ड इस्तेमाल होता है। अब मैंने इनमें वैल्यू लेनी है, वी अंडर स्कोर डी डिपार्टमेंट वाले इस वेरिएबल के अंदर कहाँ से लेनी है, अब हमें पता है टी एक्स टी उसका नाम भी डिपार्टमेंट है डॉट। अब देखो फायदा क्या होता है नाम सेम रखने का, इसके साथ वी अंडरस्कोर डिपार्टमेंट कर दिया, इसके साथ टी एक्स टी, तो कोडिंग में मुझे याद नहीं रखने की जरूरत, ये टेक्स्ट बॉक्स था ये वाला, ठीक है, और बटन क्लिक करने पर इस टेक्स्ट बॉक्स से डेटा वो इस वेरिएबल में लेके जाए। ठीक, और इसी तरह दूसरा है हमारे पास वी अंडरस्कोर डी आई एस सी आई पी डिसिप्लिन, जिसको हम देते हैं सी एस टी आर सी एस टी आर टी एक्स टी डी आई एस सी आई पी डिसिप्लिन डॉट टेक्स्ट। ठीक हो गया, इस तरह से इसने दोनों का डेटा ले लिया, दोनों की वैल्यूज हमारे पास ऐड हो गई हैं। अब हमने चेक करना है कि क्या इस नाम का डिसिप्लिन कोई मौजूद भी है या नहीं है, डिपार्टमेंट सॉरी, तो एस यू एल एस ई एल ई सी टी सेलेक्ट इक्वल्स टू सेलेक्ट वाली क्यूरी को बता रहे हैं सेलेक्ट डिपार्टमेंट अंडर स्कोर आई डी फ्रॉम डिपार्टमेंट अंडर स्कोर इंफॉर्मेशन वेयर, जहां पर डिपार्टमेंट अंडर स्कोर नेम होगा जो हमने इसमें गेट किया हुआ है, तो इसको बाहर जाकर जैसे हमने कल कॉन्कैटिनेट किया था वी अंडर स्कोर डिपार्टमेंट, और ये ऐसे और ये यू हो जाएगा। ठीक है, एक क्यूरी बना दी गई जिसमें हमने कहा कि डिपार्टमेंट की आईडी यहाँ से उठा के लाओ, इससे कंफर्म हो जाएगा कि डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है कि नहीं, ये वाला मैंने उठाया है, और फॉर एग्जांपल आपने फार्मेसी सेलेक्ट किया ना वहाँ से, तो 6 नंबर उठा के लाएगा, क्योंकि इस 6 नंबर को मैंने यहाँ पे स्टोर करवाना है, इधर 6 आएगा, इधर आपकी डिग्री आ जाएगी बीएस फार्मेसी, तो इसके पेरेंट रिकॉर्ड का हमें आइडिया मिल जाएगा, इसका पेरेंट रिकॉर्ड कौन सा है या ये किस डिपार्टमेंट से फॉल करता है, तो ये चीज़ें डिपार्टमेंट आईडी डिपार्टमेंट अंडर स्कोर आईडी है, और ये डिपार्टमेंट अंडर स्कोर नेम है। ठीक हो गया, और सेट आर एस डी पी इक्वल्स टू कनेक्शन डी पी डॉट एग्जीक्यूट एस क्यू एल सेलेक्ट, ये सेलेक्ट की क्यूरी से डेटा को सेलेक्ट करके लेके आएगा,
और अगर गलत मैंने वहाँ पे वैल्यू दी हुई है, डेटा अवेलेबल नहीं है, तो मेरा रिकॉर्ड सेट में कुछ नहीं आएगा, तो रिकॉर्ड सेट खाली होगा, तो मैं चेक कर सकता हूँ, और खाली है तो मुझे एरर देगा, भाई मुझे तो मिला ही कुछ नहीं। इफ़ rstp.eof एंड ऑफ फाइल इक्वल्स टू ट्रू, अगर एंड ऑफ फाइल है इसका मतलब वहाँ पर कोई डेटा नहीं मिला। सबसे पहले हम डेटाबेस को डिस्कनेक्ट करेंगे, कनेक्शन डी पी डॉट क्लोज, और मैसेज दे देंगे इनवैलिड नेम सेलेक्टेड, या डिपार्टमेंट नेम नॉट फाउंड, सेलेक्ट इट विल बी ROPRIA अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द गिवन लिस्ट, क्रिटिकल। और उसके बाद वी अंडरस्कोर MEWS मैच अंडरस्कोर MESG, और TXT डिपार्टमेंट डॉट क्लियर, उसको क्लियर कर दो, और TXT डिपार्टमेंट डॉट सेट फोकस, और एग्जिट हो जाओ, आगे नहीं जाना है। और अगर फर्ज करो मिल गया है आपको, तो वो मैंने एक और वेरिएबल पर बनाया था, आपने देखा होगा ये वाला, ये वाला, इसको मैंने आईडी दे देना, वी अंडरस्कोर DBET अंडरस्कोर ID इक्वल्स टू CINT कन्वर्ट इनटू इंटीजर, और कहाँ से वैल्यू देनी है, रिकॉर्ड सेट 0, जो वैल्यू मेरी इसमें आएगी उसका पहला कॉलम इसको असाइन कर दो, ठीक है, इसमें वैल्यू चली गई। अब हमने इसको इंसर्ट करवाना है, SQLINSERT इंसर्ट इक्वल्स टू इंसर्ट इनटू, टेबल का नाम है डिसिप्लिन इंफॉर्मेशन DISCIP डिसिप्लिन अंडरस्कोर इंफॉर्मेशन, और उसमें कॉलम कौन कौन से देने हैं, DISCIP डिसिप्लिन अंडरस्कोर नेम, और उसके आगे दूसरा कॉलम है DISCIP डिसिप्लिन अंडरस्कोर TEPT अंडरस्कोर ID। देख लेते हैं दोबारा डेटाबेस में, यस डिसिप्लिन नेम है और डिसिप्लिन की डिपार्टमेंट की ID है, इसमें वैल्यू ऐड हो जाएगी, डिपार्टमेंट की आईडी है, इसको बंद कर दिया। और वैल्यूज़ कहाँ से देनी है, पहली वैल्यू हमारी स्ट्रिंग है, तो उसके लिए फिर हमें कॉन्कैटिनेट करके वी अंडरस्कोर DISCIP डिसिप्लिन, ठीक है, और इसके जो सिंगल कोटेशन मार्क्स बंद करने हैं वो दे दिए, ये कोटेशन बंद, फिर कॉमा, जिस तरह यहाँ कॉमा दिया था, ये चूंकि बाहर है इसलिए इसको स्ट्रिंग के अंदर ही कॉमा दे दिया, और फिर अगला जो है वो इंटीजर है इसलिए उसको कॉमा, वो पोस्ट ऑफ ईएस देने की ज़रूरत नहीं है, वो है वी अंडरस्कोर DBET अंडरस्कोर ID। तो ये तीन चार स्ट्रिंग्स बनी, एक ये स्ट्रिंग बनी, दूसरी ये करेक्टर इंटीजर टाइप स्ट्रिंग बन गई, तीसरी ये सारी की सारी इकट्ठी बनी, चौथी ये बनी, और पांचवी यहाँ से लेकर इन पांचों को मिलाकर इकट्ठा करके मैंने हैंड ओवर कर दिया इसको, और इसको मैंने कहना है एग्जीक्यूट कर दो, कनेक्शन डीपी डॉट एग्जीक्यूट SQL इंसर्ट, और उसके बाद कनेक्शन डीपी डॉट क्लोज कर दो, और मुझे एक मैसेज दे दो MSG मैसेज बॉक्स के, वन न्यू डिसिप्लिन हैज़ एडेड, वन न्यू DISCIP डिसिप्लिन हैज़ AWD एडेड टू द सिस्टम और VP इंफॉर्मेशन, और उसके बाद है वी अंडरस्कोर MEWS मैच अंडरस्कोर MESG और TXT डिपार्टमेंट डॉट क्लियर और TXT DISCIP डिसिप्लिन डॉट टेक्स्ट, जो कम्बो बॉक्स होता है उसके साथ हमें क्लियर लिखना पड़ता है, जो टेक्स्ट बॉक्स होता है उसके साथ हमें टेक्स्ट को खुद से खाली करवाना पड़ता है, और उसके बाद TXT DEPART डिपार्टमेंट डॉट सेट फोकस, इसको रन करते हैं, इंसर्ट न्यू डिसिप्लिन, यहाँ से जनाब हम लेते हैं इलेक्ट्रिकल पावर, हमने अलग अलग बनाए हैं, ठीक है, इसके अंदर हम स्कूल के अंदर बनाते हैं, इनकी डिग्री BEE होगी, ठीक है, बैचलर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग पावर, टाइप मिसमैच, रिकॉर्ड सेट,
जहाँ से ले लेते हैं, जैसा ये है ना स्कूल ऑफ कंप्यूटेशन साइंस, हम कहते हैं बीएस कंप्यूटर सीआईएनसी साइंसेस ऐसे। अब ये इंसर्ट करवाते हैं, वन डिसिप्लिन हैज एडिड, जाके देखते हैं डेटाबेस में कंप्यूटेशनल साइंसेस और उसकी पेरेंट की आईडी, चार पेरेंट्स मुराद हुए पेरेंट डिपार्टमेंट, यहाँ से देखें स्कूल ऑफ कंप्यूटेशन साइंस फोर से फोर ही है, तो हमारे प्रोग्राम ने जाकर उस वैल्यू को गेट किया, गेट करने के बाद इंसर्ट करवा दिया। अब अगर फर्ज करो हमें, हम एमएसबी करवाते हैं, तो हमें यहीं पे स्कूल ऑफ कंप्यूटेशनल साइंसेस एमएस कंप्यूटर एससीआईएन साइंसेस सर, जो भी स्टाफ है उनका अलग से एंटर करना पड़ेगा। हाँ हाँ, स्टाफ का अलग से होगा, लेकिन स्टाफ का डिपार्टमेंट यही रहेंगे ना, जो लेक्चरर है तो वो स्कूल ऑफ कंप्यूटेशन साइंस में ये एक ही जगह पे इस्तेमाल होगा, ये जो चीज़ आ रही है ये वहीं से उस फॉर्म पे चली जाएगी, और उसका नाम, फादर्स नेम, सीएनआईसी नंबर, वो सब चीज़ें ऐड होती रहेंगी। अच्छा अब आप फर्स्ट, मैं यहाँ पे गलत देता हूँ क्यों वैल्यू, फार्मेसी, और फार्मेसी का सिर्फ मैं वाई उड़ा देता हूँ, और इधर जाके मैं लिख देता हूँ बी एस पी एच ए आर एम ए सी फार्मेसी फॉर एग्जांपल, ठीक है, क्या दिया उसने डिपार्टमेंट नेम ऑफ फॉर्म, सिलेक्ट अप्रोप्रिएट डिपार्टमेंट नेम फ्रॉम द गिवन लिस्ट, इसका मतलब हम जो भी गलत देंगे वो हमें उसका एरर देगा। तो ये हमें फायदा क्या होगा, सिस्टम में कोई फ्ला नहीं जा सकता कि मैंने फैसलाबाद है तो फैसलाबाद का स्पेलिंग मैंने कुछ लिख दी, आपने कुछ लिख दी, किसी ने कुछ लिख दिए, तो जो सिस्टम में एक चीज़ एंटर होगी वो एक ही सेंटर पॉइंट से, और नई चीज़ एंटर करनी होगी तो न्यू पे जाएंगे, डिपार्टमेंट स्कूल ऑफ इंग्लिश नहीं है हमारे पास, फॉर एग्जाम्पल स्कूल ऑफ लिंग्विस्टिक्स एस सी एच स्कूल एल आई एन जी यू आई एस लिंग्विस्टिक्स, अभी हमें यहाँ पर अवेलेबल भी होगा उसी वक्त साइमल्टेनियसली, ये लिंग्विस्टिक्स, ठीक है, लिंग्विस्टिक्स में बी एस इंग्लिश, बी एस जर्मन, बी एस कुछ भी डालना चाहेंगे तो हम ऐड कर, ठीक है बच्चों, इसकी मैं रिकॉर्डिंग रोकता हूँ ताकि ये एक अलग से बन जाए, बाकियों की रिकॉर्डिंग अलग से चलाते हैं।